और एक बड़ी खबर आपको यहां बता दें, हरियाणा में राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। डीजीपी ने केंद्र को खत लिखकर साफ तौर पर कर दिया है कि उन्हें इंटेलिजेंस विंग में वापस बुला लिया जाए। केंद्र को एक पत्र लिखकर डीजीपी ने यहां पे क्लियर किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने एक बयान में कहा था कि डीजीपी किसान आंदोलन को सही तरीके से संभाल नहीं सके, जिसके बाद से दोनों ओर से तल्खियां जारी हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश की खबर बता दें, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनाव की खबरें आ रही थी। हालांकि ये खबरें उस वक्त दबाने की कोशिश की जा रही है जब मंगलवार को, आपको बता दें कि आदित्यनाथ और साथ ही साथ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। बाद में साफ तौर पर यह कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जिनकी एक महीने पहले ही शादी हुई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आगामी चुनाव से पहले पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, ये जताने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके पहले मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के कुछ दिनों बाद, ये आपको बता दें, उनके घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब मौर्य ने कहा था कि पार्टी की संसदीय समिति ये तय करेगी कि जो अगला नेतृत्व होगा वो किसके साथ लड़ा जाएगा, उसका चेहरा कौन होगा। ये ऐसे बयान दिए थे मौर्य के। इस बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री के बीच तनाव के तौर पर देखा जा रहा था राजनीतिक गलियारों में। हालांकि जब दोनों उनके घर पहुंचे, आरएसएस के पदाधिकारी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये कहीं ना कहीं इसे दबाने की या कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक जो खबरें कहते हैं कि चुनाव, आगामी चुनाव से पहले इसे ये करार दिया जा रहा है कि पार्टी के भीतर यूपी में कोई भी कलह नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है, आपसी रंजिश नहीं है, सब कुछ पार्टी में फिलहाल ठीक है। तो आपको बता दें कि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो तनाव की खबरें आ रही थी राजनीतिक गलियारों से, उस पे अब विराम लग गया है, जब आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। और इस पर और आपको बता दें, आदर्श सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श, कहीं ना कहीं जो एक दरार की खबरें आ रही थी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं। और ये पहला मौका है जब पिछले 4.5 साल के अपने मुख्यमंत्री के पद के तौर पर, अपने पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के घर गए हैं। इससे पहले कई बार ये अटकले और कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच में अनबन चल रही है, बातचीत का दौर जो है वो नहीं शुरू हो चुका है, और इसी वजह से ये जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जस्ट केशव मौर्य के घर से निकलने के बाद, ना सिर्फ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बल्कि जो तमाम दूसरे बड़े नेता हैं वो सीधे बैठक में पहुंचते हैं। 4.5 घंटे की बैठक चलती है और उसके बाद यूपी के चुनाव की रणनीति भी तय होती है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के वक्त में इस तरीके की जो बैठकें हैं वो अपने आप में जो कई कयास लगाए जा रहे थे विरोधी दलों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उनका भी मुंह बंद करती हैं कि अब बीजेपी में जो भी दरार की खबरें आ रही थी, जो भी विवाद की खबरें आ रही थी, उनको भी बंद करने की कोशिश है और एक तरीके से चुनाव में एक साथ रहने की कोशिश की जा रही है। जी, चुनाव से पहले पार्टी के भीतर एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आदर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।